आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पलपल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री विराट कोहली के साथ सोशल मीडिया पर नज़र आए, जो एक बात उनकी जो बार बार दिमाग में दौड़ रही थी वो ये कि वो विराट कोहली से पूछते हैं कि आपको दिल्ली के छोले भटूरों की याद आती है या नहीं। पर विराट कोहली को दिल्ली के छोले भटूरों की याद आती हो या नहीं आती हो, पर मेरे जहन में एक गाना बड़ी तेज़ी से आ रहा है। वो गाना है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ऐ जिंदगी तेरा हमें एतबार ना रहा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ अब राजनीति में देखने को मिल रहा है। जिनके साथ नाखून और मांस का रिश्ता हुआ करता था, अब वो भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। जी हाँ, लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस नीति और नियत के साथ चल रही है और एक वर्चस्व के तहत अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए मेजॉरिटी हमारे पास है तो हम जो चाहे वो करेंगे, चाहे देश की अर्थव्यवस्था फाड़ में जाए, किसानों की अर्थव्यवस्था फाड़ में जाए, हमें अपनी राजनीति से मतलब है। पर अब ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी को उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के अल्फाजों में बात की जाए तो अकाली दल से 23 साल पुराना तलाक हो चुका है, तो वहीं शिवसेना 25 साल पुराना गठबंधन को तलाक दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, उस पर उनके नेता हो चाहे केंद्रीय मंत्री हो, वो भी साथ छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि अन्नदाता के साथ जो खिलवाड़ मोदी सरकार ने किया है, जब अपने ही सहयोगियों को और अपने ही नेताओं को नहीं समझा पा रहे तो वो किसानों के बीच में क्या मुंह लेकर के जाएंगे उनके नेता, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आखिरकार अकाली दल ने क्या क्या बोला है भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। भाजपा और उसके सबसे पुराने साथियों में शामिल शिरोमणि अकाली दल के बीच अटूट रिश्ता आखिरकार टूट गया। इसकी वजह बना किसानों का मुद्दा। कुछ दिन पहले ही अकाली दल ने संसद में लाए गए कृषि संबंधी विधेयकों को लेकर सरकार छोड़ दी थी और अब उसने राजग से अलग होने की घोषणा कर दी है। अकाली दल का अलग होना भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उसके सबसे विश्वस्त सहयोगियों में शामिल दो प्रमुख दल शिवसेना और अकाली दल अलग हो चुके हैं। अकाली दल के शीर्ष नेता प्रकाश सिंह बादल अधिकांश मौकों पर कहा करते थे कि भाजपा व अकाली दल का रिश्ता नाखून और मांस का है, जो कभी अलग नहीं हो सकता। लेकिन अब दोनों दल अलग रास्ते पर चल पड़े हैं। अकाली दल ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि जब किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने विरोध के बावजूद संसद में बिल लाने का फैसला किया, तब उसने सरकार छोड़ दी थी। राजग से अलग होने के पहले उन्होंने पार्टी की बैठक में अपने सभी कार्यकर्ताओं और किसानों से चर्चा की, उसके बाद फैसला किया। भाजपा के लिए अपने सहयोगियों के बीच विश्वास कायम रखना पाना चुनौती बनता जा रहा है। शिवसेना उससे पहले ही अलग हो चुकी है, जदयू के साथ उसके रिश्ते खट्टे मीठे हो रखे हैं और एक बार उसका साथ छोड़कर चला भी गया था रामविलास पासवान की लोजपा भी डावाडोल स्थिति में है। इस समय भाजपा को भले ही सहयोगी दल इतने महत्वपूर्ण ना लग रहे हों, क्योंकि केंद्र में उसकी अपने दम पर सरकार है, कई राज्य में उसकी अपनी सरकारें हैं, लेकिन भविष्य के लिए उसको भरोसेमंद मजबूत साथी मिलना मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि उसके सबसे पुराने और मजबूत सहयोगी दलों में दो प्रमुख उससे अलग हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं विचारधारा के स्तर पर भी उसके साथ थे। भाजपा के लिए अकाली दल का अलग होना इसलिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वह किसानों के मुद्दे पर अलग हुआ है। किसानों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा जो चुनाव को प्रभावित करता है। अब जबकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनाव सामने हैं, तब अकाली दल का किसानों के मुद्दे पर जाना उसके
लिए मुसीबत बन सकता है। हालांकि भाजपा नेता किसानों के बीच तथ्य रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक माहौल सड़कों पर उतरे किसान समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। वर्ष 1998 में जब लाल कृष्ण अटवानी और अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए बनाने का फैसला किया था, तो उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी, जयललिता की अन्ना द्रमुक, प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाला अकाली दल और बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना इस संगठन में शामिल हुए थे। समता पार्टी का बाद में नाम बदलकर जदयू हो गया। जदयू और अन्ना द्रमुक एनडीए से एक बार अलग होकर वापसी कर चुकी है। शिवसेना अब कांग्रेस के साथ है। अकाली दल ही ऐसी पार्टी थी जिसने अब तक एनडीए का साथ नहीं छोड़ा था। अकाली दल के जरिए मोदी सरकार के कृषि विधेयक गले की फांस बन गया है, क्योंकि पार्टी को लग रहा था कि अगर वे सरकार के साथ गए तो पंजाब के बड़े वोट बैंक किसानों से उसे हाथ धोना पड़ सकता है। पंजाब के कृषि प्रधान के क्षेत्र में मालवा में अकाली दल की पकड़ है। अकाली दल को 2022 के विधानसभा चुनाव दिखाई दे रहे हैं। 2017 से पहले अकाली दल की राज्य में लगातार दो बार सरकार रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 117 सीटों में से अकाली दल को महज 15 सीटें मिली थी। ऐसे में 2022 का चुनाव से पहले अकाली दल का किसानों के एक बड़े वोट बैंक को अपने खिलाफ नहीं करना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि 23 साल पुराना तलाक भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस एक वर्चस्व के तहत या अपनी हुकूमत में जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, उस मेजॉरिटी को दिखाने के तहत गुंडा कर दी और दादागिरी पर उतर आई इस किसान विरोधी बिल को लेकर के। राज्यसभा में जैसे सांसदों की, विपक्षी सांसदों की आवाज़ दबाई गई, इसका भी चेहरा लोगों ने साफ तौर पर देखा। और जब सड़कों पर किसान प्रोटेस्ट करने के लिए उतरा तो सड़कों पर किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई, ये भी चेहरा देश ने देखा। पर यह भारतीय जनता पार्टी सबके सगे होने का दावा करती है, तो अब देख लीजिए जिनके साथ नाखून और खून का रिश्ता था वो भी साथ छोड़ करके जा रहे हैं इस बिल को लेकर के। और बिहार चुनाव से ठीक पहले अकाली दल का साथ छोड़ना वो कई सारे सवाल खड़े कर देता है। इससे ये साफ जाहिर हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा जरूर दे सकती है सिर्फ जुमलों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में दलितों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, किसानों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, बेरोजगार जो युवा हैं उनके ऊपर किस तरीके से जुल्म और ज्यादति ढाई जा रही है, तो वहीं महिलाओं के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेने का दावा कर रही थी पर अपने ही साथ छोड़ करके जा रहे हैं, जिससे ये साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। चाहे देश की अर्थव्यवस्था धरातल में जाए, युवा भाड़ में जाए, चाहे रोजगार मिले चाहे ना मिले, किसान को भरपेट अन्न मिले या ना मिले, वो अपनी राजनीति करेंगे। इसलिए वो अपनी राजनीति और कुर्सी के सगे हैं, किसी और के नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर के आपके साथ जुड़ता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।